आइंदा हम कभी कुछ नहीं बताएंगे, ये नहीं सोचा। ये देखें भाई, चीपा भाई, चीपा भाई ने बाइक ली है। नहीं वो भाई क्या हुआ, चलाना ओ या अल्लाह जवान भाई हौसला भाई, जब तक मैच चलता रहेगा ना, हम यही रोडों पे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते ही एक दो घंटे लग जाते हैं। तो अब यही होगा कि आप रोड में ही ज़िंदगी गुजारें अपनी, और अल्लाह से दुआ करें कि जल्द से जल्द मैच ख़त्म हो जाए यार, आमीन। देखो आगे क्या होता है, माहौल बना हुआ है ज़बरदस्त किस्म का, और लोग जो है वो रश के मारे जो है वो यहीं पर खड़े हुए हैं, और ये लोग तो यहाँ पर खेलना भी शुरू हो गए। तो जब तक रश ख़त्म नहीं होता हम एक गेम ही लगा लेते हैं। रात का पुरसकून समा, अंधेरा चल रहा है, बैटरी बहुत कम है, क्या हम पहुंच पाएंगे घर कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए अगले कुछ सेकंड्स। और ये गाड़ी निकली बहुत ही उम्दा, गाड़ी ने टच मारा, हमें थोड़ा सा देख लिया इसने, वरना तो मुश्किल था देखना। और बेहतरीन माहौल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शोर हो रहा है थोड़ा थोड़ा लेकिन कम है, और इस रोड पर जो ट्रैफिक भी कम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे बड़ा मसला जो है कराची में ये है, शोर बहुत होता है, वो भी खावा खा, मतलब अगर कोई जा रहा है आराम से रोड पर और आगे कोई भी नहीं है और एक टर्न है, तो भी जो है ना वो कराची के अंदर ही होता है, जाकर फ़ौरन दे दो इन केस पर उल्टा आ रहा हूँ। तो वैसे ऐसा होता भी है कि लोग उल्टे आ जाते हैं रोड पर, तो यही है कि कराची में शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग दूर भी रहना शुरू हो गए, और अक्सर लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि घर और ऑफिस के अंदर ही रहें और बाहर नहीं निकलें ज़्यादा रोड पर, और अगर घूमने का कोई प्लान बनाते भी हैं तो वो आउटसाइड सिटी बनाते हैं। जैसे ये कहानी तो हर बड़े शहर की है ही, कराची इंक्लूडेड, मतलब कराची भी है, कराची भी एक बड़ा शहर है, और मैं तो ये कहूँगा कराची जो है वो मतलब चार बड़े शहरों के अंदर मिल के बनाया है, तो इसको मेरे ख्याल से डिवाइड करना पड़ेगा कभी, क्योंकि ये मैनेज नहीं हो पाता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कराची में करनी पड़ती हैं, करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ कराची। अच्छा भाई, अभी हम पहुंच गए हैं सर सैयद के पुल तक, और अभी इतनी बैटरी हो गई है तो पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा ऑफिस या कहीं भी,